ए है यहाँ पर एन है यहाँ पर एन है, ये मैंने अभी बताया था। अभी ये क्या हो जाएगा एन बाई एन, मतलब कि ये तो क्या हो जाएगा वन बाई, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इधर तो ये एन है ठीक है, इधर क्या है वन बाई एन। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि ए की सिक्स ठीक है, कितना है टू की सिक्स ले लेता हूँ मैं, टू की सिक्स है और इधर मैंने थ्री ले लिया, तो इसको क्या लिखेंगे टू की सिक्स इंटू वन बाई टू, वन बाई थ्री थ्री वन बाई थ्री, क्योंकि थ्री तो नीचे आ गया, थ्री वन टू सिक्स, टू की पावर क्या आ गया टू, तो हमारा आ गया फोर, क्या आ गया हमारा फोर आंसर। इस तरह से हम करेंगे, और यदि हमें ये मिल जाता है यहाँ पर ए बी ठीक है, ऐसे मिल जाता है हमें ये, इसको क्या लिखेंगे हम वन बाई एन ए की इंटू बी की वन बाई एन, इसको ऐसे लिख सकते हैं ठीक है। और जन्म तो ना कभी कोई ये पता नहीं क्या देंगे, ये तो अलग ही चीज आ गई ठीक है। आगे देखिए, यदि आपको ये दे दिया कोई तो बात तो वही है ए बटे बी ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं इधर एन और अलग अलग भी लिख सकते हैं ठीक है ना, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो आपने जो है बदल नहीं होना है, मैंने आपको बता ही दिया है कैसे करना है ठीक है ना। इससे एग्जाम्पल अच्छा क्या होगा, यहाँ पर मैं ये एग्जाम्पल थोड़ा और घुमा के ले लेता हूँ, तो घुमाने वाली बात और कुछ नहीं है, एम इधर मल्टीप्लाई में है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एम इंटू वन बाई एन, इसको तो वन बाई एन लिखेंगे ना, तो ये क्या हो गया डायरेक्ट एम बाई एन। अभी कुछ समझ में आया, ये तो हमारा नीचे जा रहा है और ये वाला जो है ऊपर जा रहा है, आ गया समझ में, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। इसको फिर मैं देखो इस क्वेश्चन, इसको मैं भी थोड़ा वाइड एरिया में करवाऊंगा आपको। अभी एक चीज और है जो आपके लिए तो इसमें काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आता भी है कई बार पेपर में भी, एग्जाम में भी मैंने देखे एग्जाम्स के अंदर में क्वेश्चन। चलो कोई नहीं, मैं आ गया तो फॉर्मूला बता ही दूंगा, बट उससे पहले एक दो क्वेश्चन देख लो आप, उस तरह के क्वेश्चन देख लो, दूसरी तरह के कैसे क्वेश्चन आपसे जो है फोटो ही एग्जाम में एक आती है कि आर ओ क्रम में लिखो, बढ़ते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में लिखो ठीक है ना, ऐसे आता है। पर आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का, आर ओ क्रम मतलब कि आ रहे हैं बढ़ते क्रम है, पहले उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये असेंडिंग ऑर्डर ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो इस टाइप में हमारे क्वेश्चन होते हैं। बट यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है किस तरह से पुट होंगे वो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। लिखिए रूट वो जो अभी मैंने आपको करवाया है, आप जो अभी तक जो बेसिक बेस मैंने बताया उसी पर आधारित क्वेश्चन है, ज्यादा घुमा फिरा के करवा रहा हूँ मैं। रूट थ्री समझो इसको, देखो मुझे पता है हायर मैथ है, थोड़ा ये लगेगा तो भाई बहुत टफ है ठीक है ना, और ये लगाना हमने इसमें से बतानी है हमने सबसे बड़ी कुंजी है, सबसे बड़ी कुंजी संख्या है, सॉरी इसमें बताना है सबसे बड़ी कुंजी संख्या है, तो हमने इसमें बताना है क्या बताना है सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, तो बीच में हम कैसे बता पाएंगे भाई सबसे बड़ी कौन सी संख्या। मैंने आपको अभी ये बात बोली थी कि इनको हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज तो हमें मैंने बताई ना अभी आपको भाई पांच एक बटे तीन ठीक है, कोमा तीन एक बटे चार और
चार एक बटे पाँच ये लिख सकता हूँ। पर अब क्या करो, इन कैसे लिखे, क्या ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आ गया, साठ आ गया। एलसीएम क्या आ गया, साठ आ गया, सिक्सटी आ गया। सभी की मल्टीप्लाई मैंने किससे कर दी, साठ से। अब इनको मैं डिवाइड करता हूँ, इधर कितना आ गया बीस, इधर कितना आ गया पंद्रह, और इधर कितना आ गया पाँच 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 दस, चार एक चार, चार पंद्रह बीस, ठीक है ना, ठीक आ गया ना। तो अब ये पाँच की पावर कितनी होगी, बीस होगी, और इधर तीन की पावर कितनी होगी, पंद्रह होगी, और इधर चार की पावर कितनी होगी, बारह होगी। तो अब ये देखो भाई, आपकी इसमें से कौन सी संख्या, मतलब ये पाँच की पावर कितनी है, बीस है, इसका मतलब बड़ी तो यही हुई, क्योंकि देखो छोटी भी है पावर की कम है, छोटी भी है पावर की कम है, बड़ी और पावर ज्यादा। यहाँ से इसको सोल्व करके मत देखना कि भाई पांच को बीस बार गुणा करेंगे, तीन को तेरह बार, पंद्रह बार गुणा करेंगे, और चार को बारह बार। आपने यहाँ से आइडिया लगाना है, यदि जब पावर हमारी जो जिसकी पावर है फाइव है वो भी बड़ा है और पावर भी बड़ी है, तो इसका मतलब क्या गया, हमारा ये हमारा सबसे बड़ी संख्या, और उसका क्या हमारा ये आंसर होगा, ना कि हमारा ये होगा हमें ऑप्शन में मिलेगा, आंसर मिलेगा हमारे ऑप्शन में तो चारों मिलेंगे, चारों में से फिर एक ऑप्शन दे देगा कोई नहीं, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या गया ये। तो इस तरह से हमने जो है इन क्वेश्चनों को करना है। उसके बाद जो है एक क्वेश्चन फिर आपका पुट होता है रेशनल लाइन से, जैसे कि ये है आपका एक क्वेश्चन, तो यहां से जगह ये देखो। अब मैंने ये करने का तरीका बता दिया आपको, इसमें से आप जो है ये यहां से असेंडिंग ऑर्डर भी पूछ सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर भी, बड़ी संख्या भी और छोटी संख्या भी। चलना हमने इसी तरीके से जो मैंने आपको सिखाया है, ज्यादा नहीं, ठीक है, यही तरीका चलेगा। अभी देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट जो होगा हमारा वो होगा एट माइनस रूट फाइव, एट रूट माइनस रूट फाइव तथा रूट तेरह माइनस रूट दस में से कौन सी संख्या बड़ी है, इसमें से हमने बतानी है कौन सी संख्या हमारी बड़ी है। ध्यान से देखो, अभी देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, भाई हमने बतानी है कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या हमारी छोटी है, ठीक है। तो इसमें कैसे बता पाएंगे हम कौन सी संख्या जो बड़ी है, कौन सी संख्या जो छोटी है, हम इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे भाई, हाँ इसको जो है क्या कर लेंगे हमें, वन बाई टू में इसको हम रिवर्स कर देंगे, ठीक है ना। रिवर्स मतलब या तो मल्टीप्लाई इसको जो है यहाँ पर माइनस का दो प्लस वाले से कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, इसके नीचे क्या लिख लेंगे, वन है, ठीक है ना। तो एट माइनस रूट फाइव इंटू मल्टीप्लाई बोथ साइड हम कर देंगे, इससे एट प्लस का रूट फाइव इंटू एट प्लस का रूट फाइव से इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। सेम ऐसे ही हमने अगले से करना है, ठीक है ना, सेम बिल्कुल। अब ये देखो, ये जो दो मल्टीप्लाई हुई है, ये हमारा फॉर्मूला लगता है, ये गारंटी लगती है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, तो ये लगेगी। तो इधर इससे करेंगे तो एक आ गया माइनस का, क्योंकि रूट टू रूट कैंसिल। मैंने ये आपको बताना भूल गया, यदि हमारा ये है इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी अठोटी चौसठ मल्टीप्लाई होगी, ये होगी, और ये किसका है, आठ का, इसीलिए हम इसको क्या लिख देते हैं,
रूट से रूट कैंसिल हो गया आठ लिख दीजिए, ठीक है। इसी तरह हम लिख देते हैं, ऐसे ही हम जो है इसको लिखेंगे, यहाँ पर आ गया, ऐसे ही इसको लिखेंगे और ये सेम क्या गया हमारा, ठीक है। अभी इसको कितना पांच था, सॉरी अभी जो क्या है हमारा तीन बटे एक प्लस में रूट फाइव आ गया। अब ऐसे ही हमारा क्या जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में जो है क्या था हमारा पार्ट में, हमारा ये था कि रूट तेरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये आपके और सर इनको कैसे बताएंगे छोटा है बड़ा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मिल जाता है कुछ ही सेकंड का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, हमने रेशनलाइज कर देना इसको ही करें। इधर कितना आ गया, अब इधर मैंने ये कितना आ गया इधर हमारा 13 और इधर कितना आ गया 10 रूट तेरह, तो अभी जो है आपको मैंने बताया था कि भाई यदि हमारी ऊपर जो अंश है ऊपरला हमारा क्या होता है अंश बाय हर जो होता है अंश बाय हर, तो अंश जब इक्वल होता है और हर हमारा जितना छोटा होगा तो वो उतनी ही बड़ी संख्या होगी, और यदि हमारा हर बड़ा होगा और वो अंश इक्वल है, जैसे कि इधर कितना थ्री है और इधर भी कितना है थ्री है, अब मैं हम इनकी कंपेयर करते हैं तो इनमें बड़ा कौन सा है, तो अब देखो अंश हमारा बड़ा है, ठीक है ना, ये ग्रेटर है, ये थ्री जो है थ्री तो सेम है बट जो है ये थ्री सेम है तो इसमें ग्रेटर बताना कौन सा है, यदि हमारे हर जितना छोटा होगा उतनी ही संख्या बड़ी होगी, ठीक है, हर जितना बड़ा होगा वह उतनी ही संख्या होगी छोटी होगी, यदि जो है अंश हमारे जो है इक्वल है तो बड़ी संख्या कौन सी होगी वो हमारी ये होगी, तो बड़ी संख्या में हमारी क्या होगी हमारी ये ऑप्शन ऑप्शन बड़ी संख्या क्या हमारी, तो इसी तरह हम दोस्तों देखो क्वेश्चन कर सकते हैं अच्छे से, और इतना मुश्किल नहीं है आयर मैथ, हम घात वाले क्वेश्चन को देखते हैं, पहली बात तो घात वाले क्वेश्चन देखे और हम उससे क्या है छोड़ कर भाग जाते हैं, भाई पता नहीं है तो कैसा क्वेश्चन है माइंड में नहीं है पेपर टाइप, पर इनको जब करने बैठते हैं तो इजली जो है ये बहुत अच्छे से हो जाते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इनमें, अभी आपके जहन ये मैंने आपको समझाया है छोटी छोटी बातों से लेके हमने इनको कराया है, तो ये क्वेश्चन बड़ी इजली जो है हो चुके हैं। उसके बाद हम ऐसे ही हम बढ़ते क्रम वाले भी बता सकते हैं, घटते क्रम वाले भी बता सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहो आप इनके जो है किसी भी टाइप में क्वेश्चन आ दो, असेंडिंग ऑर्डर में आ दो, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ दो, बढ़ते क्रम में लाओ, घटते क्रम में लाओ, आरोही क्रम में लाओ, अवरोही क्रम में लाओ, आरोही क्रम को होता है बढ़ते हुए क्रम, अवरोही क्रम क्या होता है घटते हुए क्रम, ठीक है ना, कोई से में भी बोलते हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं ईजिली, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन अगर एक और दे रहा हूँ, ठीक है, और क्वेश्चन फिर मैं आपको भाग दो में इसके जो है करवाऊंगा, ठीक है, इसको भाग दो में और क्वेश्चनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये बेस है दोस्तों, इसको जो है पक्का कर लेना, फिर इसके जो है भाग दो में जितने टाइप्स रहती है वे टाइप्स भी करवा दूंगा, और साथ में मैं काफ़ी एग्जाम्पल जो है आपको दूंगा, ठीक है, करवाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इससे पहले आप इसकी जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। हम लास्ट क्वेश्चन देखिए 2 की पावर 350, ठीक है, उसके बाद हमारी 2 की पावर 5 की पावर 200 अगला है, और 3 की पावर 300, 4 की पावर 250, 3 की पावर 400 और 3 की पावर 300, 4 की पावर 250, 3 की पावर क्या है 300 और 4 की पावर 250, ये है।
हमने इसको क्या लगाना है, इसको हमने जो है घटते क्रम में लगाना है, भाई पहले सबसे बड़ा फिर उससे, ठीक है, उससे घटते क्रम में पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, इस टाइप हमने लगाना। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, देखो इतनी हम यदि इनको मल्टीप्लाई करके देखो भाई इसको कितने बार मल्टीप्लाई करना है, भाई 350 बार इसको, 200 बार इसको, 300 बार इसको, 400-250 बार। यदि हम इस क्वेश्चन को हम ऐसे करने बैठिए ना तो ये समझ लो कि हमारा पेपर तो कंप्लीट हो गया नहीं, ये ना ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ठीक है, टाइम काफी लगेगा। तो हमने क्या करना है, उनकी पावर को हम इनकी पावर को इक्वल करेंगे। ये डिवाइड किस हो रहे, 5 से भी डिवाइड हो रहे ना, है ना, तो इधर हम 5 से इसको डिवाइड करते तो देखो 5 से वैसे सभी हो रहे हैं। हमने पावर को रखना सेम, पावर को सेम रखना, 5 × 7 = 35, मतलब कि ए 7 × 2 = 7 आएगी और ऊपर क्या आ गया 50 आ गया, ठीक है, फैक्टर कर लेंगे इनके 50-50 में बना लेंगे, जिसमें भी बढ़ते हो एक सेम, ये सेम आने चाहिए ऊपर ले, तो इधर कितना रहा 4 4 बजे, ठीक है ना, तो इधर 50 आ गया, और इधर कितना आ गया 3 की पावर 6, अच्छा हो गया ना 6 बजे 30, और इधर कितना आ गया 5 की पावर। अब देखो मैं इसीलिए बोल रहा था, देखिए यहाँ पर हमने 7 तक मिली, यहाँ पर हमें कितनी 4 तक मिलेगी, यहाँ पर हमें 6 तक मिलेगी और यहाँ पर हमें 5 तक मिलेगी, इसलिए मैं आपको ये बोल रहा था कि भाई आप जो है ये कम से कम 7 तक 5 तक तो कम से कम करो। अभी हमने 7 तक मिल गई तो हमने पता चला कि अब आगे हमने आगे तक भी कर दी है, तो कम से कम 8-9 तक इनको करे लो। वैसे 5 तक तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 तक आपको पता है, मुझे यहाँ पर पता भी 6 तक कितनी है 64 है, तो 7 की तो 2 की तो गुणा करनी है ना, जब 6 तक पता तो 64 है, 2 की 6 64, तो 8 128, और इधर 5 की पावर 4 125 की होगी, तो आगे कितना हुआ 625 हो गया, तो ये भी हो गया 7 से। देखो मुझे क्यों पता था तो डायरेक्ट हो गया। अब मुझे पता है 3 की पावर 4 जो 81 होता है, 3 की पावर 5 243 होता है, ठीक है ना, 3 की पावर 5 243 होता है, 3 की पावर 6, यदि 3 की पावर 5 आपको पता है तो 3 की पावर 6 जो है आपने गुणा ही करनी है, 3 × 9 = 24 / 72, ठीक है, तो ये क्या हो गया 9 का क्यूब हो गया 732। अभी यहाँ पर बात आती है 5 की 4 की 4 की पावर 3 का हमें पता है 64 है, यदि 5 का पता तो यदि याद करने को अच्छी बात है, याद तो रखो। अभी हमने कितना पता है 4 की पावर 3 का तो पता है 64 है, तो चौक चौक 16 + 4 = 2 कितना 4 × 24 = 25, 256, 4 की पावर 4 कितना हो गया 256 हो गया, और 4 की पावर 5 तो हमने इसका मतलब कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 256 को हम कितने से गुणा करेंगे 4 से, तो हमने 4 से जब गुणा करेंगे तो 4 × 6 = 24, 2 × 4 = 20, 2 × 4 = 8 = 10, 1 × 4 = 24, और 1 × 4 = 24 किसका स्क्वायर है भाई, ये है 34 का, 1 × 4 = 24 किसका स्क्वायर है, देखो थोड़ा माइंड में रखो, आपको 1 × 4 = 34 का स्क्वायर है, तो इसलिए माइंड से भी आपको गौर हो जाएंगे भाई स्क्वायर भी 50 लग यदि होगा तो। अभी देखो सबसे बड़ी संख्या हमारी ऊंची होगी पहले ये, इसका मतलब सबसे बड़ी क्या है 4 की पावर 250, उससे इससे छोटी संख्या क्या है हमारी ये 3 की पावर 300, फिर उससे छोटी क्या है ये आगे उससे छोटी 5 की पावर 200, उल्टी लगा रही है तो ठीक है 2 की पावर 350, तो ये हमारी क्या होगी घटते क्रम होगी। देखो दोस्तों इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, हमने जो है आसानी से इसको अचीव कर लिया, ठीक है, सरल कर लिया इस क्वेश्चन को, तो इस तरह हम जो है नेक्स्ट वीडियो में सारे जो कर पाएंगे आसानी से, ठीक है, बड़ी ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चनों को समझना, जो मैंने पहले बेस समझाया उसको अच्छे से समझ लेना।
ठीक है। और यदि आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को जो है हमारी क्लास पसंद आए तो आपको क्लास मिलेगी, और हमारे चैनल को क्या करना सब्सक्राइब कर देना और उसको लाइक शेयर जो मर्जी और आगे आपकी इच्छा है, ठीक है, वाच एंड तक करना। और CHSL की मांग जो है आपको गारंटी देते हैं, यदि आप लास्ट तक और प्रैक्टिस करोगे जो हमने फंड अपना है तीन महीने में, ठीक है, 8 घंटे डेली जो है स्टडी करके आप CHSL जो है पा सकते हो, ठीक है।